किला की चाम उनकी मिनम्मा दीपिका पादुकोण अपना बॉलीवुड डेब्यू शाहरुख के साथ नहीं बल्कि सलमान खान के साथ करने वाली थी, लेकिन तब मस्तानी बाई ने सलमान को मना कर दिया था और फिर बाद में शाहरुख खान के संग दीपिका ने अपना डेब्यू किया। लेकिन आखिर दीपिका ने सलमान खान की फिल्म को क्यों ठुकरा डाली थी, क्या थी पीछे की वजह, आखिर सलमान के साथ दीपिका क्यों नहीं करना चाहती थी फिल्म, ठहरिए और सुनिए। दरअसल दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में फिल्मी डेब्यू को लेकर बताया था कि ओम शांति ओम से पहले उन्हें सलमान खान ने एक फिल्म का ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने तब सलमान को मना कर दिया था। दीपिका ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था और कहा था, सलमान खान ने मुझे पहली फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उस समय मैं कैमरे को फेस करने के लिए रेडी नहीं थी। फिल्म ऑफर करने के लिए मैं ऑलवेज सलमान के लिए ग्रेटफुल रहूंगी। कि इसके बाद अभी तक दीपिका पादुकोण ने किसी भी फिल्म में सलमान खान के साथ काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सलमान की फिल्म मैं और मिसेस खन्ना में कैमियो जरूर किया था। और तो और इस फिल्म में दीपिका का रोल काफी छोटा था। फिल्म में सलमान खान, करीना कपूर और सोहेल खान मेन लीड में थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाई थी। हालांकि दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म साल 2007 में आई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इतना ही नहीं, फिल्म ने उन दिनों 80 करोड़ का लगभग बिजनेस किया था। ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण की एक्टिंग की जमकर तारीफ भी हुई थी, जिसके बाद उनके पास बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स का ढेर लग गया। हालांकि फैंस आज भी सलमान और दीपिका को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए तड़प रहे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।